चलो अब हम कहीं और जाकर बस जाएंगे। नहीं दीदी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इनसे प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है, मगर अब से हम इस बोध के साथ जिएंगे कि इस घर में हमारा भी हिस्सा है। चलिए। मुझे धक्का दो और अंदर जाओ। क्या कह रही है आप? मुझे धक्का दो और अंदर जाओ। रमा, दे धक्का और आगे बढ़। बुआ, क्या कह रही है आप? आई, हटिए सामने से। नहीं हटूंगी। अगर तू अंदर जाएगी तो मुझे धक्का देकर जाएगी। हाँ रमा, दे दे धक्का। जीजाबाई को आज समझ में आए कि रिश्ते में बड़ा बनकर छोटों को ठोकर मारने का काम आए तो आज नहीं तो कल छोटे पत्थर समझकर रास्ते से हटा ही देंगे। मार धक्का। रमा, एक बार फिर कह रही हूँ, अगर तुम यही रहोगी तो कुछ नहीं सुधरने वाला है। दीदी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आप भी जाएंगे। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से एक अलग शुरुआत होगी। ठीक है, तो अपनी सास को मारो धक्का, गिरा दो उसे, फिर करो नई शुरुआत। नहीं, रमा अपनी सास को धक्का नहीं दे सकती। नहीं भी, नहीं भी, भी। हाँ बाला भैया, लक्ष्मी के साथ हमारा चले जाना सही है। आनंद, आनंद, आज इस घर का भविष्य घर की दो बहुओं के हाथ में है। आई सामने से हटिए, जिद मत कीजिए। धक्का मार के जाना। आई हटिए ना सामने। नहीं हटूंगी। तो ठीक है, फिर यही करते। नहीं रमा, छोड़ो हाथ, छोड़ो। आई, हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं ना, आप, हम, लक्ष्मी दीदी, आनंद भैया, बुआ, जैसे पहले रहते थे। पाला भैया, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमारा यहाँ रहना बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। वो बाबा जब आएंगे तब देख लेंगे। फिलहाल तुम सब लोग यही रहो, मैं चलता हूं। जब देखो खाली काम कर दो समय पे, बस पैसा काम करवा लेगा, पैसा नहीं देगा। ये लोग क्या समझ के रखा, खाली काम कर दो समय पे, पैसा मांगने जब पैसा नहीं। इन लोगों को समझ में कुछ नहीं आता। हितेश काका, हाँ। आप भी भूत की शरण में आ जाइए। बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप कीजिए, इससे आपका मन शांत होगा और आप भी भीम भैया की तरह अच्छी बातें करने लगोगे। हितेश काका, बड़ा आया भीम का तरफदारी करने के लिए, संभालो इसको। बेटा, वो बड़े हैं तुमसे और पूजा पाठ व्यक्ति की अपनी आजादी पर निर्भर करता है, इसलिए किसी के भी ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता। और तुम्हें ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आइए, हम सब भी उसी विषय पर बात कर रहे थे, सोच रहे थे।
नहीं मालिक, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आज खाने में क्या बनाऊं। ये ऐसी बातें क्यों कर रही है आप? मालिक, एक नौकरानी कैसी बातें कर सकती है? अब तो ये घर आप सबका है, मैं मेरी मर्जी से ना ही किसी को घर में रख सकती हूँ और ना ही किसी को घर से निकाल सकती हूँ, तो कैसा घर? छोड़िए वो सब, आप मुझे बताइए ना, मैं क्या बनाऊँ खाने में? आई, हमें माफ कर दीजिए, हमारा मकसद ये सब करने का नहीं था और ना तो हमारा मकसद आपका अपमान करने का था, बल्कि हमने तो आपका मान रखा है। देखिए, बहुत रात हो रही है, मुझे खाना भी बनाना है, आप मुझे बताइए ना मैं क्या बनाऊँ खाने में। आई, अब आइए बैठिए, हम कुछ बना लेंगे। नहीं मालकिन, आई ये क्या कर रही है आप? गुस्सा मत होइए मालकिन, आप सिर्फ बता दीजिए, मैं बना दूंगी खाना। आई आई, मेरे पैर छोड़िए। नहीं मालकिन, मैं यही ठीक हूँ मालकिन के चरणों में। अब जाइए, कल आपकी परीक्षा है, परीक्षा की तैयारी कीजिए। और आनंद भैया, आप भी जाकर आराम कीजिए, जाइए इन्हें लेकर जाइए। चलो, मत जाइए ना मालिक, मुझे बताइए ना मैं क्या बनाऊं। भाई आप उठिए ना, मैं आखिरी बार कह रही हूँ। मैं उठूंगी तो नहीं, आप मुझे पहले बताइए मैं खाने में क्या बनाऊं, फिर मैं उठूंगी। आई आई उठिए। नहीं, मैं नहीं उठूंगी। दीदी, ये ऐसे नहीं उठेंगे, हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा मालकिन? आप चाहे तो मुझे लात मार मार कर बेहोश कर सकती है, मारिए ना लात। वैसे भी इस घर में मेरी हैसियत ही क्या है, आप मारिए ना लात मुझे। आई, आपकी बहुत हैसियत है, एक आई की जो हैसियत होती है उतनी हैसियत है आपकी। छोड़िए ना आई। रमा, तुम अंदर जाओ और खाना बनाओ, मैं एक के साथ बैठती हूँ। जानता हूँ सब ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ, आज जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भीम की परीक्षा हो रही है और उसे मैं देख नहीं पा रहा हूं कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं। पढ़ ही रहा होगा बाबा, भीम है वो, पढ़ाई के साथ बेईमानी नहीं करेगा। जानता हूं, लेकिन इतने सालों से उसकी जब भी परीक्षा होती थी तो उसके लिए मैं रात रात भर जगता था। सोचो, मैं तुम्हें सुबह 4 बजे पढ़ाई के लिए जगा दूंगा। उसके लिए बीच बीच में हल्दी का दूध देता था ताकि उसे पढ़ाई करते वक्त नींद ना आए। हिम को जब भी पढ़ाई करते हुए देखता हूं ना, एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है। लेकिन आज उसे मैं पढ़ाई करते हुए नहीं देख सकता, बस उसी बात की थोड़ी सी बेचैनी है। बाकी सब ठीक है। जा बेटा, सो जा, रात बहुत हो गई है, मैं भी
थोड़ी देर में आता हूं सोने के लिए, जा। ये पत्थर भी डालो। ये सब उठाओ और जाओ जल्दी जल्दी। ये तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बस ये समझ लीजिए कि भीमराव के रास्ते में राहु केतु बिछा रहा हूं। समझा, तू उसकी परीक्षा पक्की करने की कोशिश कर रहा है। जी भाऊ, आइए आइए, वो आता ही होगा। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं और बाबा का आशीर्वाद नहीं ले पाया। पता नहीं बाबा कहाँ हैं, उनके बिना सब अधूरा लग रहा है। आओ भीमराव, कॉलेज जाने वाला रास्ता भी तेरी परीक्षा में बैठने की राह देख रहा है। कॉलेज का रास्ता है ना, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। अरे गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, और गलत रास्ते पे जाओगे तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना, ये चोटें भी लगेंगी और जख्म भी होंगे। इसलिए इसमें हमें कोई दोष मत देना। ना ना ना, हमने कुछ नहीं किया। ये जो पत्थर देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे पत्थर जिससे तुम्हें ये चोट लगी है, ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है भीमराव। जानते हो कैसे? छोटी जात का होने के बावजूद पढ़ना लिखना, बड़े होना और हम जैसे ऊंची जात वाले लोगों की बराबरी करने का जो दुस्साहस किया ना तूने, उसी का फल है ये जो इन कंकड़ों के रूप में चोट में तुझे मिला है। अब भुगत इसे और यही खड़ा रहे। महिपाल, तेरी परीक्षा का समय हो गया है। जी भाऊ। हाँ बेटा, जा अच्छे से जमा के परीक्षा देना। जी बाबा। जीते रहो। अब यहीं पड़े पड़े सड़ते रहो और भूल जाओ इस परीक्षा को। चल बेटा।
खून और गंदगी से ही तो संबंध है भीमराव। मैं इस कॉलेज का नया प्रिंसिपल, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम प्रिंसिपल ऑफिस में आकर समय बर्बाद करते हो। इससे पहले कि तुम कोई बखेड़ा लेकर आओ, मैं खुद आ गया। ए, 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 आवाज दे। ए, सिर्फ 3 घंटे तुम्हारे पास। चुप, खामोश। सर, मेरी परीक्षा शुरू होने जा रही है सर, मुझे अंदर जाने दीजिए ना प्लीज। देख रहा हूँ, और कुछ समय परीक्षा का बीत चुका है। देखिए सर, मुझे परीक्षा देनी है, मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, लेकिन मुझे अभी अंदर जाने दीजिए सर। सुनाई नहीं देता तुम्हें? खून और गंदगी का ही तो खेल है। तुम्हारी जात के लोगों से कोसों दूर खड़ा होना चाहिए, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत दूं? इतनी गंदगी से परीक्षा सदन का माहौल खराब हो सकता है, गंदा हो सकता है, और बाकी विद्यार्थियों के लिए अशुभ हो सकता है। अशुभ? दूर, दूर, दूर। ऐसे गीले कपड़ों में जाओ, पहले धूप में जाओ, खड़े रहो और कपड़े सुखाओ, फिर अंदर जाओ। समझ गई है सर। देखिए समय निकल जा रहा है, अगर मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो मैं पूरा पेपर खत्म नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरी परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, मेरे अंक कम आ जाएंगे सर, जाने दीजिए ना। तुम चाहे फेल हो जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे कपड़े सूखेंगे नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो आ गए सूखे कपड़े। चाहिए परीक्षा देने, ये जो कपड़े देख रहे हैं वो सूखे, और वैसे भी इन्हें से क्या फर्क पड़ता है कि आपने अंदर गीले कपड़े पहने, आपको ठंड लग सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, कि अंदर के तकलीफ से इन्हें कोई मतलब नहीं। अब जाइए परीक्षा देने, और हाँ, सबसे ज्यादा आपको इसी विषय में अंक लाने होंगे। यहाँ खड़ी नहीं रहती हो? हाँ, मैं जा रही हूँ, बस आप एक बार उन्हें अच्छे से देखिए। क्या अच्छे से देखूं? जिसकी हैसियत जमीन पर बैठने की है, उस जमीन पर बैठ के ही परीक्षा दे रहा। सर, आप प्रिंसिपल हैं, आपकी इज्जत मेरे पति भी करते हैं और मुझे भी करनी चाहिए, मगर फिर भी मैं खुद को बोलने से नहीं रोक पाऊंगी। जमीन पर मेरे पति नहीं बैठे, बल्कि जमीन तक आपकी सोच और आपकी नैतिकता पहुंच गई है, और अगर सभ्य समाज के शिक्षक की सोच ऐसी हो जाएगी
तो खतरा मेरे पति को या हमारी जात से ज्यादा इस समाज को है। अरे कोई धक्के मार कर से बाहर निकलो। सर, आप इसके साथ ऐसे नहीं कर सकते। एक स्त्री को आप मेरे सामने अपमानित नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने इसके लिए एक भी अपमानजनक शब्द का उपयोग किया तो ना सिर्फ मैं त्यागपत्र दे दूंगा बल्कि इसके कारण मैं सारे घटनाक्रम को विस्तार से वर्णित करूंगा, और फिर आप तो जानते हैं कि आपकी नौकरी भी जाएगी। देखता हूं ये भीमराव स्नातक की परीक्षा कैसे पूरी कर पाता है, कैसे पास करता है। सर, यहाँ आसपास कोई औषधि पौधे होंगे तो मैं उनके पत्ते तोड़ सकती हूँ क्या? दवा बनानी है, उन्हें चोट लगी है ना, दर्द हो रहा होगा। जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाएगी दवा लगा दूंगी। रमा, पत्ते तोड़ने में मैं भी तुम्हारी सहायता करता हूँ। कई बार भीमराव को चोटिल होने से मैं नहीं बचा पाता, दवा बनाने में तुम्हारी सहायता कर सका तो मुझे भी संतोष होगा। देखो उसे, देखो कैसे लिख रहा है, जल्दी जल्दी लिखो, जो शिकायत है वो याद है ना? आराम से लेकिन जल्दी, समझा? अरे किसी को और लिखना है क्या? नहीं, तो फिर एक बात बताओ दोस्तों। आ जाओ आ जाओ। हम ऊंची जात के जितने लड़के हैं सब लिख चुके हैं, तो अब हमारे सामने कोई छोटी जात का जवाब लिखेगा तो हम लिखने देंगे क्या? नहीं। और चाहेंगे कि अब काले जी ना पहुंच पाए, और अगर पहुंच गए तो कुछ लिख ही ना पाए। रमा, वो मेघनाथ जी, उनके दो बेटे, चाहे जो कर ले मगर मुझे फेल नहीं करा सकते। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम जो हो। दर्द से तो वो लोग डरते हैं ना जिनके पास दवा नहीं होती। तुम मेरी दवा हो रमा, हर मुश्किल की काट हो तुम, हर मुश्किल परिस्थिति में दौड़कर आ जाती हो मेरी मदद करने। आज भी अगर तुम सही समय पर नहीं पहुंचती तो शायद गुरुजी मुझे कक्षा में बैठने ही नहीं देते। जब मेरी डिग्री आएगी तब उस पर कुछ अंक लिखे होंगे, लेकिन उस डिग्री पर यह नहीं लिखा होगा कि उन अंकों में से आधे अंक तुम्हारा साथ और विश्वास के कारण मिले हैं। हर मुश्किल परिस्थिति में, हर संघर्ष में, मेरी हर जीत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हो, मेरे लिए लड़ती हो, मेरी जान बचाती हो। लोगों को तो सिर्फ मेरी जीत दिखती है, लोग मेरा अभिनंदन करते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि उस जीत में, उस संघर्ष में तुम्हारा भी योगदान उतना ही रहा है जितना मेरा योगदान था। या फिर ये कह लो कि हर जीत में तुम्हारा योगदान
मेरे योगदान से भी बढ़कर होता है। मेरे हर संघर्ष में, हर जीत में तुम्हारा तप, तुम्हारा बलिदान होता है रमा। तुम मेरी जीवन जीने की प्रेरणा हो रमा। थैंक यू। अब की ऐसी बातें सुनकर ना मैं डर जाती। आपकी जितनी अपेक्षा है मुझसे पता नहीं कभी पूरी कर भी पाऊंगी या नहीं। तुम मुझे पूरा करती हो, उतना ही काफी है। रमा, मुझे ऐसा लगता है कि बाला भैया को पता है बाबा कहाँ है। ऐसे क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हम जब भी बाबा के बारे में बात करते हैं तो बाला भैया उतने परेशान नहीं दिखते जितने हम दिखते हैं। पापा मिल जाएंगे तो अच्छा ही है फिर। चलो। बाबा कहाँ चले गए आप? आपके बिना कैसी हालत है सबकी? लौट आइए ना जल्दी। देखिए, बाला भैया को भी पता नहीं बाबा कहाँ है। चलिए घर। चलो। भीम, आखिर तुम्हारा बड़ा भाई सब जानता कि तुम कब, कैसे, क्या सोचते हो और क्या कर सकते हो। इसीलिए मुझे अंदाजा था कि किसी दिन तुम मेरा पीछा करते करते बाबा तक पहुंचने की कोशिश जरूर करोगे। बाबा लीजिए, खा लीजिए। बहू, जब बाला आ जाएगा तो उसके साथ ही खाना खाऊंगा। मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ ही खाना खाता हूं, आदत सी हो गई है। वहां चाल में भी मानन थे तब भी, और यहां बाला के घर में हूं तब भी। और वैसे भी बाला के साथ रहने का कम मौका मिला है मुझे। अभी हूं तो थोड़ा प्रेम उसके प्रति भी जताने दो। बहू, बाला को गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इस कहानी में मैं तो रहूंगी नहीं, लेकिन इस बार उन दोनों को मैं एक नहीं होने दूंगी और ना ही मैं उनसे अलग रहूंगी। ये बात तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो, तो उस भीम को भी समझा दो। भीम भाव कभी किसी का हक नहीं छीनते। रिश्तों की जो बारीक रेखा होती है वो उससे भी अपने आप को बचा कर रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि भीम भाव हमसे कुछ छुपाएंगे या झूठ बोलेंगे। भीमभाव कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। गलत सोच रही है तू। भीम सिर्फ दिखता ऐसा है, अच्छा है नहीं वो। पता नहीं तुम दोनों के आंखों पे से पट्टी कब हटेगी और कब भीम का असली चेहरा तुमको दिखेगा। हाँ ठीक है आई, भीम बहुत बुरा है। आपको उसके बारे में जो सोचना है सोचिए। ना हम आपकी सोच को बदल सकते हैं और ना आप हमारी।
लेकिन ये सब हमारे सामने बार बार कहने का कोई फायदा नहीं है। बाबा बाला भैया के घर रह रहे हैं। घर का बड़ा बेटा अगर कुछ साल के लिए कहीं चला जाए तो ना तो उसका ओहदा खत्म होता है, ना ही उसकी हैसियत और ना ही उसका हक। फिलहाल बाबा यहाँ नहीं है तो इस घर को अब मैं संभालूंगा। मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ और जब तक मैं लौटूंगा तब तक मुझे इस घर का हर सदस्य घर के अंदर मिलना चाहिए। अब इसे धमकी समझिए, निवेदन समझिए या मेरा हक समझिए, जिसे जो समझना है समझिए। अच्छा, मतलब इसलिए बाला बड़ा भाई बनकर यहाँ आया था। मैं अभी जाकर बाला के घर से उन्हें छीन कर लेकर आऊंगी। छीनने की क्या जरूरत है, बाबा तो बाला भैया के भी है, अपने बेटे के यहाँ रह रहे हैं, रहने दीजिए। जब उन्हें ठीक लगने लगेगा वो खुद आ जाएंगे। कठपुतली समझ कर रखे हो क्या मुझे? जब मन किया तब बता दिया, जब मन किया तब कह दिया कि बाला भैया के घर पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जाने देना था मुझे तो तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत ही क्या थी? इसलिए बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बाबा कहाँ है ये आपके लिए जानना जरूरी होगा। तुम सब लोग रहो यही, मैं जाकर मेरे पति को लेकर आऊंगी। आई, व्यक्ति जब बीमार होता है उसे दवा के साथ साथ शांति की भी जरूरत होती है। बाबा रह रहे ना वहाँ शांति से, रहने दे जाना वहाँ, और जब ठीक हो जाएंगे उनकी तबीयत तो आ जाएंगे। अब तो मैं मेरे पति को लेकर ही आऊंगी। हाई को बताना जरूरी था क्या? बाबा बाला भाई के घर पे आराम से रह रहे थे ना, अभी आई जाकर वहां पे लड़ाई करेंगे और बहस करेंगे वो सोलक। देखिए आनंद भैया, मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया। हाँ, ये मैं जानता हूं कि समस्या थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जीजाबाई जी को ये बताना जरूरी है कि बाबा कहाँ है। वो मैंने मेरा कर्तव्य समझा और मैंने मेरा बाला, जाने दो मुझे, क्यों अपने जीवन को जीजाबाई के नौटंकी के साथ जोड़ रहे हो? तुम जैसे वैसे रहो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं जीजाबाई से निपट लूंगा। नहीं बाबा, करुणा गई है ना बाहर, उसे जो करना है करने दीजिए, वो जो भी करेगी सही करेगी, बस आप नहीं जाएंगे। बाला तुम समझने की कोशिश करो, ये जीजाबाई कुछ भी कर सकती है। तो आज समझ लेते हैं ना कि वो सच में क्या कर सकती है, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे बस। देख तुम, बाबा मैंने कहा ना आप नहीं जाएंगे। ये निकल हाथ तेरे। आई, जिद छोड़िए और जाइए यहाँ से। ठीक है, नहीं जाने देगी ना तू मुझे अंदर, तो अब देख तू कैसे खुद मेरे पति को बाहर लेकर आएगी और मुझे कहेगी कि उन्हें ले जाइए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो अब देखना कि कैसे वो खुद मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आती हूँ मैं। बहू, क्यों हमारे पहले से उलझे हुए रिश्तों में अपना समय बर्बाद कर रही हूँ? ये जीजाबाई को कुछ भी कभी भी समझ नहीं आएगा। बाबा, इस बार आई को मैं समझाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी देखती हूँ वो कैसे आपको यहाँ से ले जाती है। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो, ये जीजाबाई किसी भी हद तक जा सकती है। बाबा, आपकी बहू भी कुछ कम नहीं है, किसी भी हद तक तो ये भी जा सकती है। अगर ये मेरी शराब छुड़वा सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। देखिए डलिया अम्मा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मगर आप मेरे आत्मविश्वास को मत तोड़िए। भीम, हम सब समझते हैं तुम्हारी बातों को, और जीजाबाई जैसी औरतें आग नहीं लगाती। सालों से जानती हुई उस औरत को, वो सिर्फ डराती है, करती कुछ नहीं है,
फिर क्यों उसकी कसम तोड़नी है? बुआ, मैं भी जानता हूँ कि वो सिर्फ डराती है, लेकिन अगर अनहोनी घटने की आशंका हो तो हम यहाँ हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते है ना, और ये किसी के जान से जुड़ा हुआ सवाल है। भीम समझ बेटा, जीजा भाई ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसकी जान जाए। उनकी जान नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ पे करुणा भाभी भी है, बाला भैया है, हमारे बाबा है, वो सब परेशान हो जाएंगे, उनमें से किसी को कुछ हो गया तो। इसलिए मुझे जाना ही होगा बुआ। जाइए आप, जाइए। और रमा तुम नहीं जाओगी? नहीं बुआ, वो सारी दुनिया क्या है, पर मेरी दुनिया तो वही है ना, और मुझे विश्वास है कि उनके रहते किसी को कुछ नहीं होगा। ये लो जीजा भाई। और दिखा दो आज कि जीजा भाई जो कहती है वो करती है। बता, उन्हें भेजेगी या जलकर राख हो जाऊं? आती हूं मैं। जीजा भाई, हारना नहीं, आखिर एक बहू होकर तुम पर रोप चला रही है, फिर मतलब जीजा भाई किस किस के सामने झुकेगी? और हर किसी के सामने झुकेगी तो कैसे चलेगा जीजा भाई? पता नहीं अब ये आई क्या क्या करेगी। बाबा जाइए, आप ही संभालिए। नहीं, रुक जाइए, एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए, वो कुछ नहीं करेंगी ऐसा। ये जीजा भाई पागल औरत है, ये खुद को जला लेगी, मुझे जाने दो। करुणा, करुणा आ रही है या जला लो खुद को। भीम, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जीजा भाई काके की इतनी चिंता क्यों हो रही है तुम्हें? क्योंकि मालूम वो एक व्यक्ति है, उनमें जान है, और हर किसी को जीने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो अच्छा ही होगा ना। और याद रखना, हर जान की एक कीमत होती है, इसलिए मैं जीजा भाई जी को नहीं उनकी जान को बचाने जा रहा हूँ। इस भीम की तरह तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। इतना प्यार वो उससे भी कर लेता है जो उससे इतना नफरत करता हूं। धन्य हो भीम, धन्य हो। करुणा, आएगी बाहर या आग लगा लूं खुद को? आ गई मैं। पागल मत बनी है आप। ये क्या किया तुमने? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अच्छी समझ। बहुत हो गया, तंग आ गया हूं मैं तुमसे। तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी ना? चलो। रुकिए, हुआ फैसला? जीजा भाई अपने पति को लेकर जा रही है, इसका मतलब जीजा भाई जीत गई। और अगर जीजा भाई जीत गई तो हारा कौन? सोच लेना।
हार गई करुणा। मिल गई शांति, ये सब तुम्हारी गलती है ना, तुम आई को कुछ बताते और ना ये सब तमाशा होता। लेकिन तुम तो किसी की सुनते ही नहीं। बाला भैया, भीम सुनने के लिए नहीं बल्कि सुनाने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि भीम कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये सही है, हमेशा एक पैरवी करने वाला साथ लेकर चलते हो ताकि हमेशा खुद को सही साबित कर सको, है ना। भीम, और तुम क्या जरूरत थी ये सब नौटंकी करने की, क्या जरूरत थी ये तेल अपने आप पर छिड़कने की। चलो अंदर। अंदर नहीं, अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अपने बाबा के पास, और अपनी उस सास को सबक सिखाऊंगी। पागल हो गई हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, और आपको भी मेरे साथ चलना होगा। आज तक मैंने कभी जिद नहीं की उस घर में जाने की, लेकिन आज आज मैं जिद करूंगी। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको चलना होगा मेरे साथ। आप यही कह रही है ना कि हम जो कहेंगे आप वही करेंगी, तो हम कह रहे हैं जाइए और जाकर आराम से बैठिए। जीजा भाई, जब अपने आप को नौकरानी मान ही रही हो तो नौकरानी मानकर इनकी बात भी मान ले और चुपचाप आराम से बैठ जा। अरे हाँ, आपका तो पति है नहीं ना, आपको क्या पता। जब पति बीमार रहता है तो पत्नी चुपचाप नहीं बैठ सकती। मुझे काम ढूंढने जाना होगा। रमा, लक्ष्मी, बहुत दिनों बाद तुम्हारी जेठानी वापस घर लौट कर आई है, जाओ उसके स्वागत की तैयारी करो। हाँ बुआ। सदा सुहागन रहे। भाई, यही जो तुम थोड़ा लड़के भाग जाती हो ना, ये ना तो तुम्हें जीतने देता है और ना ही चैन से रहने देता है। अरे जीजा भाई, भीमराव से इतना तो सीखा होगा कि जीतने के लिए लड़ते रहना जरूरी है, भागना नहीं। क्या लड़ती रहूं? पहले सिर्फ वो रमा लक्ष्मी थी, अब वो करुणा भी आ गई। सब मिले हुए हैं और सब लोग अब बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह मैं मर जाऊं, लड़ जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से, कुछ भी हो जाए मेरा। वो सब लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं और मैं उस भीम से। जीजा भाई, पांच पांच विषय और हैं और भीमराव एक भी विषय में फेल हुआ तो फेल। मैं जानता हूं तुम भीमराव से कभी नहीं जीत पाई, हम भी उससे कुछ खास नहीं जीत पाए, मगर इस बार भीमराव एक भी विषय में फेल हुआ तो हम उसे शिक्षा में हराएंगे और ये उसकी सबसे बड़ी हार होगी। मगर जीजा भाई, इसके लिए हम सबको साथ आना होगा।
ये चिट्ठी भीमराव को अभी नहीं दूंगा, जब उसकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी और परीक्षा का परिणाम आ जाएगा तब उसे ये चिट्ठी दूंगा। गुरुजी, क्या लिखा है चिट्ठी में? ज्योतिबा फुले जी की सत्य शोधक समाज एक संस्था है, उन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन में अगर भीमराव पास करता है तो वो छोटी जाति का पहला विद्यार्थी होगा जिसने ग्रेजुएशन पास की। इसलिए इसका जश्न उनकी संस्था भी मनाएगी ताकि छोटी जात के बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैंने भी सुना है भीमराव के बारे में बड़ी जात वाले लोगों के मुंह से। आपको क्या लगता है, क्या वो इस बार पास कर पाएगा? बाला भैया, इस घर में आपको रहना है या नहीं रहना, फिलहाल इस विषय पे अभी कुछ भी मत कहिए। क्यों कुछ मत बोलूं? मुझे सच में यहां नहीं रहना है। वो तो करुणा मुझे यहां जबरदस्ती ले आई, नहीं रहना मुझे यहां। हाँ ठीक है, मत रहिए, लेकिन अभी कुछ मत बोलिए, नहीं तो भीम परेशान होगा। भीम की परीक्षा खत्म होने दीजिए, इसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन अभी कहीं मत जाइए बाला भैया। इसका मतलब मैं तब तक यही रहूं? अगर आप नहीं चाहते हैं कि भीम स्नातक परीक्षा में पास करे तो आप जाइए, आपकी मर्जी है। नहीं, मैं ऐसे क्यों चाहूंगा? ठीक है, मैं अभी के लिए रुक जाता हूं, लेकिन जिस दिन उसकी आखिरी परीक्षा होगी उस दिन मैं यहां से चला जाऊंगा, फिर चाहे जो हो। ठीक है। मैं अब आपको इस घर से जाने नहीं दूंगी, ये वादा रहा मेरा। अपने आप को पास करने पे ध्यान दो, भीमराव के फेल होने के बारे में मत सोचो। ये कौन है? शिक्षक हैं, हमारे कॉलेज में पढ़ाते हैं। जात के हमारे बराबर हैं, पर खड़े हमेशा उस भीम के बगल में रहते हैं। क्या सर, आप भी इतने पढ़े लिखे होकर सोच नहीं पा रहे हैं? वो भीम पास कर जाएगा तो डिग्री लाने भीम और मेरा भाई दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे। ये ठीक लगेगा क्या कि दो अलग अलग जात के लोग एक साथ खड़े हो? जात की प्रतिष्ठा का नाश होगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? शिक्षक हैं आप, प्रतिष्ठा का मतलब आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? तुमने सही कहा, इसीलिए मैं समझ पाता हूं कि योग्यता किसी जात की धरोहर नहीं होती, और जिसमें योग्यता होती है ना, प्रतिष्ठा भी उसी को मिलती है। इसीलिए महिपाल, भीमराव को फेल करने के बारे में सोचने के बजाय भीमराव के बराबर योग्यता हासिल करो। वो तो परीक्षा का परिणाम बता देगा कि आपका शिष्य कितना योग्य है, क्योंकि इस बार भीमराव फेल होगा। चलिए बाबू। किस्मत ही खराब है, बड़े प्रयास के बाद तो एक घर से कुछ कपड़े मिले थे, वो भी जल गए। अब क्या करोगी, कैसे भरपाई करोगी इसकी? किस्मत खराब है या तुम लोगों ने जला दिया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं जब यहाँ आया तो जल रहा था, और फुलिया ने भी तो देखा है कि जब मैं कमरे से निकला उससे पहले से ये जल रहा था। आपने नहीं तो झुकू का करने जला दिया होगा, सब समझते
कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, ऐसी क्या दुश्मनी है आप लोगों की कि किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं आप? भीमराव, ऐसा है कि जोखू शाम से मेरे कमरे में सोया हुआ है और बस जोखू ने किया है, इस बात को आधार बनाकर कोई जोखू को अपराधी नहीं बना सकता है। लेकिन मैंने देखा था, जब कपड़े सूख गए थे तो फुलिया काकी ने उन कपड़ों को अंदर रख दिया था, तो ये कपड़े जले कैसे? अरे शर्म नहीं आती आप सबको, आपके साथ रहने वाली की स्त्री के साथ ऐसी दुश्मनी, ऐसी लड़ाई? नहीं आनंद भैया, एक स्त्री के साथ नहीं लड़ रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके पुरुष होने की फर्जी महानता को विजेता बना सके, और वो बिचारी पुलिया काकी जीवन के संघर्षों से लड़ाई लड़ रही है। एक बात याद रखिए हितेश काका, जब लड़ाई लड़ने का कारण ही गलत हो तो नतीजा और परिणाम कभी सही नहीं आ सकता। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं, तुम सब देख लो। मैं फुलिया को देखती हूं। चलो सब लोग खाना खाते हैं, आओ। सो जा, मैं यही बैठे बैठे पढ़ता रहूंगा। ये दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है? रमा, किसी तरह सो जा, वरना अगर इन्हें पता चल जाएगा ना तो इनका ध्यान भटक जाएगा। और तुम्हारा इस शिक्षा के प्रति जो प्रेम है, जो निष्ठा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में तुम स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होकर हमारे जात के लिए एक उदाहरण बन जाओगे। लेकिन बेटा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना ये नाम भीमराव अंबेडकर देश विदेश में पहुंचाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में तुम भीमराव अंबेडकर नाम से जाने जाओगे। करुणा, क्या करिए, छोड़िए ना। हाँ तो ले ना, बोल इसे लेने, खोल मुट्ठी और ले दवा। क्या कर रही है आप ये? दीदी छोड़ दीजिए, नहीं खानी है दवाई। नहीं रमा, अब मैं ये दवा ले करूंगी, ले।
दे देना। ले तू ही ले। अब मैं भी देखती हूँ बिना दवा के तू ये दर्द कितनी देर तक सह सकती है। और उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं लगनी चाहिए नहीं तो परेशान हो जाएंगे। नहीं रमा को कुछ हो जाए और भीम को खबर ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब तुमने झूठ बोला ना मुझसे। तुम्हारे पेट का दर्द कम हुआ ही नहीं था। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। नहीं, 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 नहीं। अब परीक्षा देने जाइए। मैं बाकी सबके साथ चले जाऊंगी अस्पताल। मैं नहीं जाऊंगा रमा परीक्षा देने। जब तक तुम इस दर्द से पूरी तरह से उभर नहीं जाती मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी परीक्षा ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो रमा। देखो रमा आज तक तुमने बहुत त्याग किया है। अब भीम के त्याग की जरूरत है तभी तो समझ आएगा कि पति और पत्नी का बराबरी का होना चाहिए का भाषण देने वाले भीम और उसके पत्नी में कितनी बराबरी है। आई अब भड़काइए मत। अब जाइए परीक्षा देने। अब आई की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अब जाइए। बाबा बाबा कहिए ना इनसे कहिए ना कि ये जाए परीक्षा देने। नहीं रमा देखो एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो परीक्षा छूटी थी ना। आज तुम्हारी तबीयत खराब है आज भी छोड़ दूंगा परीक्षा। नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपकी परीक्षा उन परीक्षाओं के परिणाम आपकी उपलब्धि है ये सब बहुत उनके लिए ज्यादा जरूरी है। शायद मेरी दवाई से भी ज्यादा जरूरी है। और आप ही कहते हैं ना कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ रमाबाई के नहीं है वो सबके है। तो जो सबके होते हैं वो किसी एक के दर्द के लिए रास्तों पर रुक नहीं जाते। अब चाहिए परीक्षा देना। और भीम आज तो हम नीचे बैठ गए और तुम्हें भी नीचे अपने बराबर बैठने नहीं देंगे। तो आ गए सारे बच्चे। सर ये लोग मुझे कहीं पर भी बैठने नहीं दे रहे हैं क्या करूं मैं? इसमें करना क्या है भीम? वैसे भी तुम बिना कारण परीक्षा देने आए हो। तुम्हें तो पहले ही कहा है कि ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात है नहीं। अब ये परीक्षा कैसे देनी है ये तुम ही देखो। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। अब मैं सभी को प्रश्न पत्र और उत्तर वही बांटूंगा ठीक है? देखिए मैं आप सबसे कह रहा हूं मुझे बैठकर परीक्षा देने दीजिए नहीं तो
नहीं तो मैं सारे प्रश्न पत्र और कॉपियों को छू लूंगा, तो ये सब आपके लिए अशुद्ध हो जाएगा और मेरे छुए हुए प्रश्न पत्रों से आप सब परीक्षा तो नहीं दे पाएंगे। भीमराव, हम सब तो डर गए। क्यों दोस्तों? ऐसी नौटंकी से डर नहीं जाएंगे हम। सर देखिए, देखिए कैसे जबरदस्ती कर रहा है ये भीमराव। बस महिपाल जी, शुक्र मनाइए कि मैंने इन प्रश्न पत्रों को छूने की बात करके परीक्षा देने का रास्ता ढूंढ निकाला है, वरना तरीके बहुत सारे हैं मेरे पास। अनुमान है तुम्हें कि तुम अपने शिक्षक के सामने धमकी भरी भाषा में बात कर रहे हो? क्षमा कीजिए सर, लेकिन सर क्या आपको अंदाजा है किन परिस्थितियों से गुजर के आज मैं यहां परीक्षा देने आया हूं? मेरी पत्नी रमा बीमार है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो बेचारी रात से दर्द सह रही है मुझे बिना बताए, इसलिए ताकि अगर मुझे पता चलता तो परीक्षा में बाधा आ जाती। लेकिन अब रमा का दर्द मेरे अंदर गुस्सा पैदा कर सकता है सर, और गुस्से में अपने हक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।